देखिए, हुक्स लॉ का एक एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग। अगर किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को, इसको ऑन करो, किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं तो आपको जो वर्क करना पड़ता है वो निकालना है। इसका स्टेटमेंट से देखिएगा, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, आप टेंशन क्रिएट होता है तब भी आप खींचते चले जा रहे हो, इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं जो वर्क डन होता है अगेंस्ट टेंशन, भाई जब आप खींचोगे ना तो स्ट्रिंग क्या करेगी, अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। एक जब कभी मेला वेला जाओ कहीं होता है तो एक ताकत टेस्ट करने का एक रोबोट होता है, तो खींचो, बड़ी तेज खींचते हैं लोग, तो होता क्या, जब रोबोट में वो हाथ वो लगा होता है एक स्टैंड हैंडल टाइप का, हमने भी खींचा नहीं क्योंकि क्या ताकत टेस्ट करें, हमको अपनी ताकत खुद ही मालूम है, कुछ लोग नहीं मालूम है तो वो खींचते हैं, तो खींचते हैं तो उसमें क्या स्प्रिंग लगी होती है, तो जब खींचोगे तो स्प्रिंग अगेंस्ट खींचेगी ना आपको। तो कह रहे हैं जब अगेंस्ट खींचेगी तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसके इक्वल होता है, जैसे देखिए, इज इक्वल टू द एक्सटेंशन, इज इक्वल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, यानी जितना एक्सटेंशन हुआ है मल्टीप्लाइड बाय द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। मतलब आपने मान लिया ये नेचुरल लेंथ है, अब आपने क्या किया, यहां से यहां तक खींचा, कुछ टेंशन क्रिएट हुआ, फिर आपने थोड़ा और खींचा, तो ये इनिशियल टेंशन, ये फाइनल टेंशन, इसका जो एवरेज होता है वो मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितना हुआ है, अगर ये लेंथ मान लीजिए ए से बी गए हैं आप, ये पूरी लेंथ ए है मान लिया, और फिर ये लेंथ बी है, तो आपने एक्सटेंशन किया बी माइनस ए, तो ये मल्टीप्लाई के बराबर होता है। स्टेटमेंट समझ में आया, अब प्रूफ करा दी तब कुछ बात समझ आ गई, आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है इसमें, क्वेश्चन क्या आ जाए भगवान जाने। देखो ध्यान से, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग, पहले थोड़ी कहानी लिखो। लेट एल बी द लेंथ, नेचुरल लेंथ, एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, एल बी द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट ओ, या विच इज फिक्स्ड एट ओ। हल्की सी डायग्राम बनाते जाएं, देखो ये एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ एल हम यहां पे शो नहीं कर रहे, ये ओ पे फिक्स की गई है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये नेचुरल लेंथ यहां पर है, ओ ओ डैश मान लेते हैं, ये एल पर है। ठीक है, और हमने माना कि इसको आपने क्या किया है कि ए से बी तक खींचा, ए से बी तक स्ट्रेच किया, मतलब ओ देखिए ओ डैश इसकी नेचुरल लेंथ तक है, ओ से ओ डैश तक नेचुरल लेंथ पे है, तो नेचुरल लेंथ पे कोई स्ट्रिंग पड़ी हुई है और आप स्ट्रिंग को देख रहे हैं तो क्या टेंशन क्रिएट हो जाएगा, वो तो नेचुरल लेंथ है ना, जब आप खींचोगे तब फोर्स लगेगा ना। तो हमने कहा मान लेते हैं उसको ए से बी तक स्ट्रेच किया गया। ठीक है, यानी कि ए पर हमने क्या माना, ये ए है, और बी पे हमने क्या माना, ये बी है, यानी आपने एक्चुअली में स्ट्रेच कितना किया है इसको, बी माइनस ए, भाई बी ए है, ए है, तो आपने बी माइनस ए ही तो इसको खींचा है, ये तो इसको खींचने में जो वर्क करना पड़ा वही निकालना है। लॉजिक समझ में आया, तो थोड़ी कहानी थोड़ा बी दूर बना दो, थोड़ा हमें इसमें और तामझाम बनाना है, बी थोड़ा दूर बना दो, तो थोड़ी कहानी लिखो फिर प्रूफ कराया जाए। लिखिए, लेट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, लेट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, वेयर ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर 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 किसी भी स्ट्रिंग में एक्स एक्सटेंशन आप करते हो, एक्स एक्सटेंशन करते हो, तो वर्क कितना होता है, अगर उसको मान लिया आपने एक्स एक्सटेंशन किया है, मतलब ये मान लेते हैं, तो वर्क कितना होता है, टेंशन कितना क्रिएट होता है, तो नीचे लिखो वी नो दैट, डायग्राम बाद बनाना, वी नो दैट इफ इफ एनी स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू द लेंथ एक्स, टू द लेंथ एक्स, देन बाय हुक्स लॉ
देन बाई हुक्स लॉ, बाई हुक्स लॉ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाई द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस एल अपान एल, यही होता है ना? नहीं हम जी, इसको ये एक्स ना मानो, इन्होंने गलत माना है, ये एक्स ये कह रहे हैं। मान लिया आपने एक्स एक्सटेंड किया, पूरा एक्सटेंशन हमने मान लिया, ठीक है, इसका मतलब आपने एक्स बढ़ाया है तो टोटल लेंथ कितनी हो गई है, एक्स हो गई है ना, और पहले कितनी थी इसकी, एल थी, तो बढ़ा कितना, एक्स माइनस एल। और हुक्स लॉ क्या कहता है, जितनी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ अपने अपान जितनी लेंथ होती है इंटू लैम्डा, ये तो टेंशन होता है, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो ध्यान से, जब यहां पर पार्टिकल आ गया, यहां पर बॉडी आ गई, यहां पर ये स्ट्रिंग आ गई, तो क्या ये अपोजिट एक टेंशन नहीं क्रिएट करेगा? मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूं, कोई एक टेंशन नहीं क्रिएट करेगा, वही तो टेंशन ये है। अब बताइए, आपको यहां से यहां तक बॉडी को चेंज करना है, टेंशन बोले तो फोर्स, वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू, नींद आ रही है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो फॉर्मूला लगाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि यहां से यहां तक फोर्स सेम होना चाहिए, तो क्या फोर्स सेम है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा अगर इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कर दिया जाए p से q तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो लिखिए द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन इन फर्दर एक्सटेंशन dx, इन फर्दर इंस्ट्रक्शन dx इज dw इज इक्वल टू टी डी एक्स, सही कर रहा हूं ना मैं, यानी हो जाएगा लैम्डा एक्स माइनस एल अपान एल इंटू डी एक्स। और आपको तो यहां से यहां तक एक्सटेंशन करना है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम ए टू बी, तो डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको टी डी एक्स को ए से बी के बीच में जो है इंटीग्रेट कर दो, यानी इंटीग्रल ए टू बी, और टी की वैल्यू क्या है लैम्डा एक्स माइनस एल अपान एल इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो लैम्डा अपान एल अलग कर दो, इंटीग्रल ए टू बी एक्स माइनस एल डी एक्स। अच्छा सुनिए ध्यान से, हमको प्रूफ क्या करना है ये दिमाग में पहले ले आओ, तो उसी हिसाब से हम अपनी कहानी मैनेज करेंगे। देखो ध्यान से, प्रूफ क्या करना है, वर्क डन किसके कुल बताया गया है, उन्होंने कहा है वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग द इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना हो गया है बी वन बी माइनस ए हुआ है ना भाई। आप जब तार को ए से बी तक ले गए हो, यानी पहले लेंथ स्मॉल ए से स्मॉल बी ले गए हो, तो एक्सटेंशन कितना हुआ है बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, एवरेज क्या लिखा, एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, मतलब जो ए पर टेंशन है, ए पर टेंशन है प्लस जो बी पर टेंशन है, इसका एवरेज ही प्रूव करना है ना, ठीक है। अब ये निकालेंगे कहां से, बी माइनस ए, तो यहां कहीं से ढूंढ के हम लाएंगे, टीए की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो जब पार्टिकल जब स्ट्रिंग पी पॉइंट पे थी, यानी लेंथ एक्स हो गई थी, तो टेंशन ये था ना, और जब ए पॉइंट पे होगी तो टेंशन कितना होगा, टीए आएगा लैम्डा ए माइनस एल अपान एल, और जब बी निकालोगे तो आएगा लैम्डा बी माइनस एल अपान एल, यानी ये यहां पर प्रूफ करके आना पड़ेगा, लैम्डा ए माइनस एल अपान एल यहां आना चाहिए और यहां पर b माइनस एल अपान एल, ठीक है, ये हमको कुल मिलाकर यहां से लेके आना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब प्रूफ करते हैं, समझ में बात आई कि नहीं आई, हो जाएगा w इज इक्वल टू
लैम्डा अपॉन एल, जैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एल एक्स लिमिट ए टू बी लैम्डा अपॉन एल। पहले आप यहां बी रखो तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन टू माइनस एल बी और माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस एल ए। अब इसी को आप तोड़ मरोड़ करके आप लाने की कोशिश करो, ये चीज आ जाए। तोड़ मरोड़ इसलिए कह रहे हैं कि तोड़ना ही मरोड़ना पड़ेगा आपको। देखो लैम्डा अपॉन एल, सावधान, हमने क्या किया, बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए में वन अपॉन टू में टू का ले लिया तो आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस एल बी प्लस एल ए। सही कहा मैंने, बहू करते रहो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। लैम्डा अपॉन एल हाफ, हमको बाहर बी माइनस चाहिए ना, तो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से, इसको अगर फैक्टराइज कर देंगे तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए आएगा और यहां से माइनस एल कॉमन ले लेंगे तो ये भी बी माइनस ए आएगा। पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है, बी माइनस ए, तो आ गया बी माइनस ए इंटू लैमडा अपॉन एल या जाएगा बी प्लस ए बाई टू माइनस एल। देखो बी माइनस ए आ गया, बी माइनस ए आ गया, ठीक है। अब उसको लाने की कोशिश करो, इसलिए हमने प्रूफ लिख दिया कि आपको प्रूफ क्या करना है। देखो ध्यान से, यानी वर्क डन निकल रहा है, बी माइनस ए आ चुका है। अच्छा, इसमें जब यहां वैल्यू रखोगे बाई टू चाहिए ना, यहां पर ये बाई टू आ रहा है ना, यहां पर एलसीएम लो जरा, यहां पर लैम्डा अपॉन एल ये हो जाएगा बी माइनस ए, बी प्लस ए माइनस टू एल और अपान जो टू है इसको बाहर लिखने चलेगा तो बी माइनस ए अपान टू इन टू। सुनो ध्यान से, आपको ए माइनस एल अपान एल चाहिए। देखो ए माइनस एल यहां से दिख रहा कहीं से, ए माइनस एल और प्लस बी माइनस एल लिख सकते हैं इसको। अब भाई ये माइनस ट्वेल्व था ना, तो हमने एक माइनस एल कर दिया ए के साथ, एक माइनस एल कर दिया बी के साथ, कोई दिक्कत। लैम्डा बाई एल यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा बी माइनस ए बाई टू, देखो ध्यान से लैम्डा को अंदर ले जाओ, अगर लैम्डा का मल्टीप्लाई करो तो ए माइनस एल बाई एल प्लस लैम्डा बी माइनस एल बाई एल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब बताओ ये जो लैम्डा ए माइनस एल बाई एल है, क्या है टेंशन एट ए नहीं है, यानी ये हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा टेंशन एट ए प्लस टेंशन एट बी, यानी ये प्रूफ होकर के आया बी माइनस ए इंटू टेंशन एट ए प्लस टेंशन एट बी बाई टू। क्या प्रूफ नहीं हो गया, ये प्रूफ करना था ना कि वर्क डन इज इक्वल टू इज प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटेंशन इन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टेंशन इनिशियल एंड फाइनल का जो एवरेज होता है, यही प्रूफ करना था। ठीक, हमको ये पहले से मालूम, प्रूफ कैसे होगा तो बात की बात है, प्रूफ क्या होगा और उस क्या होने के लिए क्या लाना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। ठीक, नोट करिए इसको।